कैमरा करो बिस्मिल स्टूडेंट बताइएगा मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को जी मुनी जी सर आपकी आवाज़ ठीक आ रही है थैंक यू अच्छा जी कल जो हमने पढ़ा इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं जी सर मेरा क्वेश्चन है जी पूछ सर ये जो कल आपने एग्जांपल कराई थी ट्वेंटी नाइन सर इसके अंदर जो थर्ड पैराग्राफ है ना सर इसकी से इतना समझ नहीं आई पैराग्राफ का नंबर क्या है आई ई वन फिफ्टी आई ई वन फिफ्टी पीछे, कर... पीछे चलो पिछ, आगे 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 यार आगे, आगे. पे जाना यस इंटरेस्ट रेट इम्प्रिस्थ इन द ट्रांजेक्शन इज अलेवन पॉइंट एट परसेंट विच इज द इंटरेस्ट रेट नेसेसरी टू मेक द टू अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन इकोनॉमिकली एवर द एंटी रिटर्मन डेट इन अकॉर्डेंस विद पैराग्राफिकोर द रेट डेट शुड बी यूज इन एडजस्टिंग द प्रोमिस्ड कंसिडेशन इज 6% विच इज़ द एंटिटीज़ इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट वो कहता है कि ये जो दो वैल्यूज थी ना कि अगर अभी आप कैश पे ख़रीदते हैं तो कितने की चीज़ थी जी आ, अभी आप पेमेंट करते हैं तो चार हज़ार है ऐसे ही है और अगर आप एक साल बाद पेमेंट करते हैं तो पाँच हज़ार है ऐसे ही है साल बाद दो साल बाद मेरा ख्याल दो साल बाद पेमेंट करते हैं आफ्टर ट्वेंटी फोर मंथ तो ये कितनी बनती है पाँच हज़ार वो कहता है कि वो रेट जो दो सालों में पाँच हज़ार को चार हज़ार के बराबर कर देता है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें या इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालें वो वाला रेट जो है उसे हम आई आर आर कहते हैं ठीक है थीके? आपका उससे कोई लेना देना नहीं है ठीक है उसे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं क्या बोलते हैं आई आर आर ये क्या है ये वो इंटरेस्ट रेट है जो चार हज़ार को करते 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 अगर हम फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करें लाइक ट्वेंटी फोर मंथ के ऊपर इसको पीछे लेके जाएं या इसको आगे लेके जाएं तो वो रेट बनेगा अलेवन पॉइंट एट परसेंट ठीक है ये आई आर आर है अलेवन पॉइंट एट परसेंट उसकी रीज़न ये होती है जी हाँ हाँ ठीक है तो अल्टीमेटली ये जो अमाउंट है इसको अगर हम इसको हम डायरेक्ट इस रेट के साथ लेके आएंगे ना तो आंसर सही नहीं आएगा इसको ये जो आईआरआर होता है ये एनुअल रेट होता है तो एनुअल रेट पहले पहले साल का कंपाउंड हुआ फिर वो रेट कंपाउंड अमाउंट के ऊपर वो रेट लगेगा तो वो आगे जाएगा इसलिए ये डायरेक्ट अगर आप इसको 11.8 से करेंगे तो ये उस तरह से नहीं होगा ये बेसिकली कंपाउंडिंग हो जाती है तो कंपाउंडिंग के बाद फिर रेट जो है वो जो बाजार 10% परसेंट नज़र आता है वो 10 परसेंट नहीं होता इसी तरह इसका आई आर है जो कि अगर हम पहले इसको एक साल आगे और फिर उस अमाउंट को और एक साल आगे लेके जाए तो वो अलेवन पॉइंट एट परसेंट बनेगा लेकिन वो ये कह रहा है कि एंटिटी जिस रेट के ऊपर अपनी कंसिड्रेशन को अवेलुएट करती है वो उसका इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट होता है कि जी ये एक किस्म का मैंने चार हजार एडवांस जो ले लिया है प्रोडक्ट मैंने साल बाद दो साल बाद डिलीवर करनी है तो बेसिकली मैंने एडवांस पैसे ले लिए ना तो अगर मैं आज लोन लूं लूँगा तो मुझे वो लोन मैंने कल भी बताया था सिक्स परसेंट के ऊपर मिलेगा ठीक है तो एंटी जो है वो अपना आ, ये जो सिक्स परसेंट का बोरिंग रेट है ना वो यूज़ करेगी अल्टीमेटली ये सिक्स परसेंट इधर से कहीं से नहीं निकला ये सिक्स परसेंट का जो रेट है ये बेसिकली जो है वो बताया जाता है क्वेश्चन के अंदर और आपको आपका इससे भी कोई लेना देना नहीं है आपका सिर्फ़ इससे लेना देना है कि चार हज़ार को हम क्या करेंगे चार हज़ार को हम एक एडवांस एबिलिटी बुक करेंगे और फिर इसके ऊपर जो पर एन इंटरेस्ट ड्यू होगा वो इंक्रीमेंटल रेट के साथ होगा आईआरआर के साथ नहीं होगा तो आपका इंक्रीमेंटल रेट जो है वो छ हजार अगले पेज पे जाएं ये देखें ये कैश जब आया तो उसने कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बुक किया है ठीक है फिर जब एक साल गुजरेगा ये उसने लिखा ड्यूरिंग द टू ईयर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन द ट्रांसफर ऑफ द एसेट the entity adjusts the promised amount of the consideration in accordance with para and x creates creates का मतलब होता है बढ़ाना the contract liability बढ़ाना exceed करना मतलब increase कर देना the contract liability by recognizing interest on 46% for 2 years ठीक है तो ये इसके ऊपर आज अगर मुझे मिला है तो 2 years का interest जो है वो कितना बना वो वो ये बना 494 ठीक है वो उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ एट द सेम टाइम मेरा एक्सपेंस है लेकिन वो पेएबल है मैंने कस्टमर को देना है तो जब इसकी ड्यू डेट आएगी तो मैं कस्टमर को वो इंटरेस्ट uh, देने की बजाय मैं उसके अगेंस्ट प्रोडक्ट दूंगा इसका मतलब है प्रोडक्ट कितने की है प्रोडक्ट ये चार हजार तो उससे ले लिया चार हजार चार सौ चौरानवे मैंने उसे देना है लिहाजा वो प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगी वो चार हज़ार चार सौ चौरानवे रिकग्नाइज रेवेन्यू फॉर ट्रांसफर ऑफ द एसेट तो वो कहता है कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी भी हमारा रेवेन्यू बनेगी जिस पीरियड के अंदर हम ये काम करेंगे आगे चलो इस तरह से अल्टीमेटली मेरा जो टोटल रेवेन्यू है वो कितना हो जाएगा एक तो सेल ऑफ़ गुड का हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा वो चार सौ चौरासी तो भी रेवेन्यू हो जाएगा पीछे जाओ ज़रा तो जब मैं यहाँ पर आके एंट्री उसकी करनी करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा मैं इस कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी जो है इसको भी डेबिट कर दूँगा और ये मेरा इंटरेस्ट रेवेन्यू है मैं इसे रिकॉर्ड करूँगा और ये कॉन्ट्रैक्ट लेबिलिटी मैं डेबिट करके इसकी जगह पर मैं प्रोडक्ट का रेवेन्यू रिकॉर्ड करूँगा पाँच हज़ार कहीं नहीं आएगा पाँच हज़ार वो कह रहा है कि एक साल बाद की कीमत है तो मैंने अगर एडवांस ले लिया है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रूल्स के मुताबिक मुझे उसे एडवांस पेमेंट का इंटरेस्ट देना है ठीक है तो वो इंटरेस्ट कितना है अल्टीमेटली वो कितना बना वो बना चार सौ चौरानवे ठीक है लिहाजा मेरा जो रेवेन्यू है प्रोडक्ट का वो क्या हो जाएगा ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटीज डेबिट हो जाएंगी और रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड हो जाएगा चार हजार चार सौ चुरानवे ठीक है तो मैंने कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं किया बल्कि मेरी प्रोडक्ट चार हजार चार सौ चुरानवे की इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस बना है अगर आप इसको देखें ठीक है क्योंकि मैंने एडवांस पैसे ले लिए कोई बच्चा हैंड रेस कर रहा है पूछे सर थैंक यू समझ आ गई भाई जी सर थैंक यू चलो और जी किसी का क्वेश्चन ये बजर ने हैंड रेस किया हुआ जी सर सर ये नहीं समझ आ रहा कि ये 494 को रेवेन्यू क्यों बना रहा है जबकि 494 तो उसकी पॉकेट से जा रहे हैं नहीं बेटा पॉकेट से जा नहीं रहे एक्चुअली जाने थे गए तो नहीं, तो नहीं, है। नहीं जाने थे गए नहीं हैं एक्चुअली देखो فرض करो मैं आपको कहता हूं जी मैंने आपसे एक चीज खरीदनी है आप मुझे आज चार हजार रुपया जो है मेरे से आपने एक चीज़ खरीदनी आप मुझे आज चार हजार रुपया दे दें मैं आपको दो साल बाद तीन साल बाद ये चीज़ दूंगा अब आपका राइट बनता है ना कि मुझे जो एडवांस दिया उसके ऊपर मेरे से इंटरेस्ट लें बनता है ना लेकिन वो इंटरेस्ट मैं आपको दे नहीं रहा अक्रू कर रहा हूँ मेरा एक्सपेंस कर रहा हूँ लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी है और जब मैं तुम्हें प्रोडक्ट दूंगा तो ये वाले पैसे मैं उस प्रोडक्ट की कीमत में एडजस्ट करूंगा। लिहाजा प्रोडक्ट की कीमत कितनी होगी चार हजार चार सौ तो फिर मेरे लिए रेवेन्यू कितना हुआ चार हजार चार सौ आप अपनी बुक्स में एक एंट्री करेंगे आप करेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और क्या कहते हैं उसको एक मिनट ज़रा ऑफ करना मुझे कॉल लेनी है सॉरी यार वो वालदा की तबीयत नहीं कुछ ठीक तो वो कॉल एक ज़रूरी थी अच्छा तो मैं बता ये रहा था कि आपको मैंने चार सौ चौरानवे नहीं दिए जो कि आपको मुझे देने चाहिए थे क्योंकि आपका इंटरेस्ट बनता था वो मैंने जब नहीं दिए तो इसका मतलब है वो पैसे मैंने आपके रख लिए वो चार सौ चौरानवे भी रख लिए जो इंटरेस्ट आपका ड्यू हो गया था और चार हजार आपने मुझे वैसे दे दिया तो अब आपके मेरे पास कितने पैसे हैं चार हजार चार सो चुरानवे लेकिन मैं आपको फिजिकली कैश कुछ नहीं दे रहा मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ इसका मतलब आप अपनी बुक्स में क्या ट्रीट करेंगे कि आपको वो प्रोडक्ट कितने की पड़ी है चार हजार चार सो चुरानवे की आप एक एंट्री पहले बुक करेंगे इंटरेस्ट पहले आपने एंट्री बुक की क्या कैश क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्ट uh, एसेट कर आपके एसेट बनेगा वो जब तक वो आपको प्रोडक्ट मिल नहीं जाती ठीक है आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट है और मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है आपने कॉन्ट्रैक्ट एसेट टू कैश एंट्री की जब इंटरेस्ट डी हुआ तो आपने एंट्री क्या की आपने uh, फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम आपने एंट्री बुक की आपने इनकम अर्न की ठीक है इनफैक्ट फाइनेंशियली स्पीकिंग आपकी इनकम है वो लेकिन जब टाइम आया तो मैंने आपको वो इंटरेस्ट दिया नहीं है बल्कि आपको प्रोडक्ट दे दी इसका मतलब वो जो आपने चार हजार कॉन्ट्रैक्ट एसेट था वो भी निल हुआ आपका इंटरेस्ट रिसीवल भी निल हुआ और आपका डेबिट क्या हुआ आपकी परचेजेज डेबिट हुई और फिर मेरे लिए क्या हुआ मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी नील हुई जो कि इंटरेस्ट की शक्ल में थी पेएबल की शक्ल में और जो आपने मुझे चार हज़ार दिया था और उसके बदले में क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ क्यों जी क्लियर होगी बात

मतलब ये कोई उनकी आपस में बाइंडिंग नहीं थी कि वो उसे इंटरेस्ट देगा लेकिन जब हम फाइनेंशियल टर्म में बात करते हैं तो उसका इंटरेस्ट बनता है और जब उसका इंटरेस्ट बनता है तो अल्टीमेटली उसको वो चीज़ कितने की पड़ी यार आपने मेरे से चार सौ चुरानवे भी लेने हैं मुझे चार हजार दिया है अगर मैं आपको प्रोडक्ट नहीं देता वो भी लेने हैं इसका मतलब आपके मेरे पास जमा कितने हो गए चार हजार चार सौ चुरानवे अब उसके बदले में हम मैंने आपको प्रोडक्ट के हिसाब कर लिया मतलब आपको प्रोडक्ट कितने की पड़ी है चार हजार चार सौ चौरानवे की पड़ी है कोई वैल्यू नहीं है लेकिन जब हम फाइनेंशियल टर्म्स के ऊपर बात करते हैं तो अगर आप मुझे एडवांस पैसे देते हैं तो दरअसल उस पैसों के ऊपर जितनी देर का इंटरेस्ट बनता है वो भी चीज की कीमत के अंदर शामिल कर लिया जाता है ठीक है सर कितने बच्चे okay. अच्छा जी इंटाटरमेंट टू नॉन कैश कंसिडरेशन एन एंट्री एंटर्स इन टू ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए कस्टमर टू प्रोवाइड अ वीकली सर्विस फॉर वन ईयर कोई कंप्यूटर सर्विस हो सकती है कोई मेंटेनेंस सर्विस हो सकती है क्लीनिंग सर्विस हो सकती है वन ईयर के लिए द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन ऑन फर्स्ट जनवरी एंड वर्क द एंटी दैट द सर्विस इज सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लीगेशन इन अकॉर्डेंस विद पैराग्राफ ठीक है क्योंकि एक जैसे काम करना है लिहाजा वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लीगेशन है ये जिस पैराग्राफ रेफरेंस दिया हुआ है उसके अंदर बताया गया कि single performance obligation है कि सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लीगेशन पीछे पड़ के हैं कौन सी होगी This is because the इज बिकॉज द एंटी इज प्रोवाइडिंग सीरीज ऑफ डिस्टिंग that are substantially the same and have the same pattern of transfer. इसलिए ये सिंगल परफॉर्मेंस obligation है कि ये डिस्टिंग सर्विस है जो हर महीने मैंने देनी है और इसका पैटर्न ऑफ डिलीवरी भी सेम है कि मैंने जाना है वीकली सर्विस आपको महीने कह रहा हूँ वीकली आपने सर्विस वो देनी है ट्रांसफर द सर्विस ट्रांसफर टू द कस्टमर ओवर द टाइम एंड यूज़ द सेम मैथड टू मैयर प्रोग्रेस दैट इज़ अ टाइम बेस्ड मैयर मैयर ऑफ़ प्रोग्रेस और इसकी प्रोग्रेस कैसे मैयर करेंगे ये कोई हम बिल्डिंग नहीं बना रहे कि देख लेंगे कितने परसेंट काम मुकम्मल हो गया ये हम पीरियड के हिसाब से मतलब टाइम बेस्ड इसकी डिलीवरी होगी कि एक हफ्ता गुजर गया उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा वीकली जैसे जैसे वो गुजरते जाएंगे हम सर्विस करते जाएंगे इन एक्सचेंज फॉर द सर्विस द कस्टमर प्रोमिस हंड्रेड शेयर ऑफ इट्स कॉमन स्टॉक पर वीक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है हमारे यहां तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता वो कहता है कि जी सौदा क्या हुआ है कॉन्ट्रैक्ट क्या, क्या हुआ है कि जी मैं एक साल आपको सर्विस दूंगा और आप मुझे कंपनी के सौ शेयर दे देंगे ये जो होता है ना कॉमन स्टॉक कॉमन स्टॉक का मतलब होता है शेयर्स शेयर्स ऑफ इट्स कॉमन स्टॉक शेयर कंपनी के शेयर को कहते हैं ठीक है तो कहता है जी पर वीक के एक महीने के बदले में मुझे सौ शेयर मिलेगा यानी टोटल बारह सौ शेयर मुझे मिलेंगे हर महीने जैसे जैसे मैं वो सर्विस डिलीवर करता जाऊंगा, मुझे हर महीने सौ शेयर मिलता जाएगा अब ये जो शेयर मिल रहे हैं ये कंसिडरेशन अदर देन कैश है यानी नॉन कैश कंसीडरेशन है ठीक है ओके अ टोटल ऑफ फिफ्टी टू हंड्रेड शेयर सॉरी पर वीक लिखा हुआ है पर मंथ नहीं है सॉरी पर वीक लिखा हुआ है इसका मतलब है फिफ्टी टू वीक्स होते हैं ना साल में तो हंड्रेड शेयर हर वीक में आएंगे तो ये फिफ्टी टू हंड्रेड शेयर मुझे मिलेंगे यानी मुझे कैश नहीं मिलना मुझे फिफ्टी टू हंड्रेड शेयर कंपनी के मिलेंगे ओके द टर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स डेट द शेयर मस्ट बी पेड अपॉन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच वीक ऑफ सर्विस यानी हर वीक के एंड के ऊपर अगर मैं सक्सेसफुली सर्विस सरेंडर करता हूँ डिलीवर करता हूँ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन परफॉर्म करता हूँ तो मन वीक एंड के ऊपर मुझे सौ शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे ठीक है यानी कंसिड्रेशन जो है वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगी और जो डिलीवरी ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगी दैन टी मैयर दोग्रेस टू वर्ड्स कम्पलीट सेफैक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एज ईच वीक ऑफ सर्विस इज कम्प्लीट तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सक्सेसफुल कंप्लीशन जो है वो किस तरह से डिटरमिन की जाएगी वो कहता है कि जितने वीक आप सर्विस प्रोवाइड कर देंगे उतने वीक की आपकी पेमेंट ड्यू हो जाएगी शेयर्स की शक्ल में लिहाजा जो सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द सर्विस है वो क्या है वो एक वीक पीरियड के ऊपर होगी ओके टू डिटर्मन द्रांजेक्शन प्राइस

पते की यहाँ पर बात की हुई है वो कहता है कि जब एक वीक मुकम्मल हो जाएगा तो मैं इनवाइस करूंगा कि भाई ये मेरा काम मुकम्मल हो गया मुझे हंड्रेड शेयर की मैं इनवाइस कर दूंगा मुझे हंड्रेड शेयर दे दें एज पर एग्रीमेंट ठीक है अब जब मैं इनवाइस रेस करूंगा या वीक मुकम्मल हो जाएगा तो क्या होगा मेरा राइट टू रिसीव इस्टेब्लिश हो गया और वन कंडीशनल है क्योंकि सर्विस पीछे डिलीवर हो चुकी हुई है ठीक है हाँ अगर ये होगा पहले इसको डिस्कस कर लें तो मैं एंट्री क्या करूंगा मेरा रिसीवेबल स्टेब्लिश हो जाएगा ठीक है रिसीवेबल टू रेवीन्यू ओके और कॉस्ट तो जाहिर है जो भी कॉस्ट होगी वो वीक एंड के ऊपर कॉस्ट भी रिकगनाइज हो जाएगी ठीक है वो तो पूरे वीक के अंदर हमारी जो भी कॉस्ट होगी वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट को डेबिट होती रहेगी और जब यानी इन्वेंट्री में डेबिट होती रहेगी और जब वो मैं डिलीवर करूंगा तो वो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी वो कॉस्ट वाला एलिमेंट है हम रेवेन्यू वाले एलिमेंट की भी बात कर रहे हैं ठीक है तो हम ये रिसीवेबल टू रेवेन्यू ये एंट्री कर देंगे वो कहता है किससे करेंगे अब बुक्स के अंदर एंट्री तो होनी है आ, रुपीज में ये नंबर बताए हुए हैं सौ शेयर तो कहता है आपने किस वैल्यू के ऊपर ये एंट्री करनी है वो कहता है फेयर वैल्यू ऑफ द दंसिडेशन रिसीट फिर वैल्यू क्या है कि जो सौ शेयर हैं इस वक्त मार्किट के अंदर जो इनकी प्राइस होगी अगर ये मार्किटेबल शेयर हैं ठीक है तो इनकी जो मार्किटेबल प्राइस है स्टॉक एक्सचेंज से देखेंगे कि जी एक शेयर आज कितने का है जिस दिन वीक मुकम्मल हुआ है हम कहते नहीं एक शेयर जो है वो दस रुपए का है तो मैं क्या करूंगा हंड्रेड इंटू टेन में हजार रुपए से ये एंट्री कर लूंगा अंडरस्टैंड कर गए बात को और जब कैश आएगा तो कैश टू रिसीवेबल एंट्री हो जाएगी ठीक है लेकिन फर्ज करें अगर ये राइट कंडीशनल होता कंडीशनल क्या होता कि जी इस वीक के पैसे आपको तब मिलेंगे इस वीक के शेयर आपको तब मिलेंगे जब अगले वीक की सर्विस भी आप दे देंगे ठीक है तो इसका मतलब ये होना था कि जब ये वीक खत्म होना था तो आपका रिसीवेबल नहीं डेबिट होना था आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसे डेबिट होना था क्योंकि ये कंडीशनल है अगले वीक की सर्विस मुकम्मल होगी तो पिछले वीक के पैसे मिलेंगे फिर जब अगला वीक मुकम्मल होना था तो फिर एंट्री हो जानी थी रिसीवेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एसेट और जिस दिन कैश आना था फिर एंट्री होनी थी कैश टू रिसीवेबल बात समझे मेरी कि जिस दिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर राइट टू रिसीव कंडीशनल हो तो उस कंडीशन के मुकम्मल होने तक मैं उसे रिसिवल की बजाय कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक करूंगा और जब वो कंडीशन पूरी हो जाएगी फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो है वो रिसिवल बन जाएगा और जिस दिन पैसे आएंगे वो रिसिवेबल कैश में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा ख्याल समझ आ जानी चाहिए आगे चले हमने कंसिडेशन कस्टमर को देनी है ठीक है समटाइम ऐसा होता है पेनल्टी की हमने बात की है पीछे एन एंटी डेट मैनुफैक्चर हमारा कुछ पूछ रही है जी जी हमारा सर आपने क्वेश्चन में रेवेन्यू को क्यों आपने रेवेन्यू को क्यों नहीं डेबिट किया रिसीवेबल को क्यों कर रहे हैं नहीं किसको नहीं डेबिट किया नहीं आ रही इस बात किसको नहीं डेबिट किया सर रेवेन्यू को या इन्वेस्टमेंट अगर शेयर हाय हमारा आप जाग रही हो या सोई हुई हो सर मैं जाग रही हूं तो रेवेन्यू को डेबिट करते हैं है? नहीं नहीं सर को नहीं है। ये है तो? आप ही रेवेन्यू कह रही हो आप रेवेन्यू को क्यों किया यही कह रही हो ना सर, तो फिर आप क्या कहना चाह रही हैं आपके मुंह से क्या निकलना था वो पूछे क्वेश्चन क्या है आपका सर मैं आप मैं आपसे पूछ रही हूँ जिस दिन मैंने कहा राइट टू रिसीव स्टेब्लिश हो गया मैं उस दिन ये एंट्री करूँगा ठीक है और अगर मुझे उसी दिन वो शेयर दे देते हैं फिर मैं डायरेक्ट शेयर्स को डेबिट करूंगा मुझे कैश देते तो मैं कैश को डेबिट करना था मतलब इतनी तो बात समझ आया करें ना मैंने ये कहा था कि राइट टू रिसीव जैसे ही वीक एंड हुआ सर्विस मुकम्मल हुई तो मेरा राइट स्टेब्लिश हो गया वो मुमकिन है शेयर एक आधा दिन बाद ट्रांसफ़र करें तो मैं वीक एंड जिस दिन होगा उस दिन शाम को मैं ये रिसीवल बुक कर लूँगा और कितने से बुक करूंगा जितने उस दिन शेयर की फेयर वैल्यू है और जिस दिन वो मुझे शेयर ट्रांसफर करेंगे उस दिन मैं एंट्री कर लूँगा कि जी शेयर डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट तो नेट एंट्री क्या हो गई कंपनी के शेयर आए हैं कैश नहीं आया शेयर डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट यानी हम रिसीवेबल बुक नहीं करेंगे पहले रिसीवेबल बुक करेंगे और बाद में शेयर्स को क्रेडिट करेंगे जी बिल्कुल ऐसे ही है रेवेन्यू को डेबिट नहीं करेंगे ठीक है तो से क्लियर निकल गया हां ब्लैक कॉफी पी के भी। बैठा करें सुबह सुबह चलो हम आगे पढ़ रहे हैं आप क्वेश्चन जो है वो उसी वक्त किया करें इसका मतलब भला क्या होगा कि ये जो अगली बात मैंने की है आपका ध्यान पिछली बात की तरफ है इस तरह आप कॉन्टिन्यूसली थोड़ा पीछे रहेंगे फॉरन क्वेश्चन कर दिया करें यहाँ तो काम ही बड़ा आसान है मैं कौन सा फेस टू फेस कुछ कह सकता हूँ आपने आराम से क्लिक ही करना है वो ब्लू हैंड इधर रेज हो जाना है हमने आपसे पूछ लेना है कि हमारा क्या मसला है एनी वेज तो अब हम आ जाते हैं टू जीसीडरेशन पेटी डेट कंज्यूमर गुड्स एंटर इन टू वन ईयर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स टू ए कस्टमर डेट इज लार्ज ग्लोबल चेन ऑफ रिटेल स्टोर मसला जैसे एल वी है विसाची है ये ग्लोबल चेन्स हैं ठीक है डेनम है? है जीन्स है तो हम आ, उनको Uh, हमने uh, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ किया वन ईयर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स ये देखें ठीक है मसलन हम वो चीज बनाते हैं और वो वो चीज बेचते हैं तो वन ईयर का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ग्लोबल कस्टमर है हमारा द कस्टमर कमिट्स टू बाय एट रुपीज फिफ्टीन मिलियन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर कस्टमर ने क्या कमिट किया है जी कि मैं पंद्रह मिलियन की चीजें आपसे खरीदूंगा ठीक है एक साल के अंदर

ठीक है वो उसने अपने बाकी दरवाजे बंद कर दिए हैं बड़े बड़े चेन स्टोर ऐसे ही करते हैं उन्होंने अपने बाकी सारे मामला क्लोज कर दिए उन्होंने आपके साथ पूरे साल का ऑर्डर कर लिया कल को अगर आप ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो आपके जहन में कोई डर कोई खौफ कोई चीज तो होनी चाहिए कि जी मेरा इतना नुकसान हो जाएगा लिहाजा मैंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि हम टेन परसेंट ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट हम डिपॉजिट रखवाएंगे कस्टमर के पास बात समझ आई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ये प्रैक्टिकली ट्रांजेक्शन ऐसे होती हैं तो ये वो कह रहा है, है? क्या कहता है entity, entity मैं से बता रहा हूँ बेचने वाला टू मेक अ नॉन रिफंड और वो नॉन रिफंडेबल पेमेंट है ठीक है जो कि मैंने किसको देनी है कस्टमर को देनी है ठीक है ये क्यों देनी है मैंने वजह आपको बता दी कि सिक्योरिटी के लिए कि यार मैं कल को आप मुझे ऑर्डर दे दें मैं कह दूं जी दस दिन बाद महीने बाद कह मैं नहीं ऑर्डर के दे सकता तो मेरा तो कोई नुकसान ना हुआ आपकी पूरे साल की जो प्लानिंग है वो गड़बड़ होगी तो अल्टीमेटली आपने बताना है कि जी आपका ऑर्डर सिक्योर आप डिलीवर आप करेंगे इसलिए टाइम आपको ऊपर एक सिक्योरिटी डिपॉजिट से हम ये लाइबिलिटी होती है जो कि हम जमा करवा देते हैं कस्टमर के पास हमारा एसेट होता है कस्टमर की लाइबिलिटी होती है ठीक है ओके दुपीज वन पॉइंट मिलियन पेमेंट विल कंपनसेट द कस्टमर फॉर द चेंजेस इट नीड्स टू मेक टू इट्स शेल्विंग टू अकोमोडेट द एंटीज प्रोडक्ट लो जी एक उसने और इसके अंदर चीज दे दी ये कहता है सिक्योरिटी के तौर पर नहीं दिए पैसे सम टाइम ये सिक्योरिटी के तौर पर होते हैं यहाँ सिक्योरिटी के तौर पर नहीं दिए कहता है यहाँ इसलिए दिए हैं कि जो मेरी प्रोडक्ट है वो आपके जिन शेल्फ्स में रखी जानी है वो शेल्फ्स उनका डिज़ाइन वो स्पेशल शेल्फ्स बनेंगे तो मेरी प्रोडक्ट को रखने के लिए आप 1.5 मिलियन में आपको कंपनसेट कर रहा हूँ टू अरेंज द शेल्फ्स फॉर माई प्रोडक्ट ठीक है तो ये क्या होगी ये सिक्योरिटी नहीं है ये आपको मैंने पैसे इसलिए दिए हैं कि आप मेरे से जो चीज खरीद रहे हैं आप उस चीज को इस मतलब कोई खास टेम्परेचर हो सकता है कोई खास किस्म के शेल्फ हो सकते हैं जैसे डीप फ्रीजर होते हैं अब पेप्सी वाला जब आपके दुकान पे कोक रखवाता है तो वो फ्रीज़र अपने पास से देता है इसका मतलब वो आपको पेमेंट कर रहा है ना या वो आपको पैसे दे दे कि भाई ये इसका डीप फ्रीजर लेके रखो यहाँ ये हुआ है या वो आपको डीप फ्रीजर लेके दे दे उस पर भी आपका कैश आउटफ्लो होना है ना तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जी भाई ये पैसे हैं मैं इस हैसल में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि ये डीप फ्रीजर नहीं है ये बाकायदा वहाँ आपकी स्पेस के ऊपर शेल्फिंग होनी है ठीक है खास किस्म की ये पैसे पकड़ें और शेल्फिंग करवा लें ठीक है तो लिहाजा मेरी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए ये खर्चा होना जरूरी है ठीक है ये बात भी समझ आ गई हमें अब कहते हैं द एंटी कंसिडर्स द रिक्वायरमेंट इन पैराग्राफ पैराग्राफी फिफ्टीन एंड कंक्लूड्स डैट

ये पैप्सी वाले भी ऐसे ही करते हैं कि जब पैप्सीप्सी दुकान पे रखवा जाते हैं आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम वो फ्रीजर फिर आपका हो जाता है ठीक है तो इसी तरह ये जो मैंने पैसे दिए हैं जिसे आप शेल्फ बनाएंगे वो शेल्फ आपके हैं मेरा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है यानी मुझे कोई डिस्टिंग गुड या सर्विस नहीं मिल रही उस वन पॉइंट फाइव मिलियन के बदले में लिहाजा वो पैसे मैंने आपको दे दिए लिहाजा कंसिक्वेंटलीट इन अकॉर्डेंस विद Uh, 1.5 अपना एक्सपेंस ट्रीट नहीं करूंगा ये ऐसे ट्रीट होगा कि जो 15 million की मैं चीजें बेच रहा था वो एक्चुअली 15 मिलियन की नहीं है वो कितने की हैं? वो 13.5 मिलियन की हैं. दिस कंपनसेशन विल बी ट्रीटेड एज रिडक्शन इन 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 ट्रांजेक्शन प्राइस ठीक है

हम कहते हैं कि जी वो प्रोडक्ट जो है वो आ, आ, कोई भी वैल्यू है उसकी बनती है लाइक पंद्रह मिलियन के अगेंस्ट आपको मैंने थर्टी मिलियन कह लें या 60 मिलियन कह लें मैंने मिलियन प्रोडक्ट्स आपको देनी है तो प्रोडक्ट के प्राइस निकले जिस दिन मैं डिलीवर करूंगा उस दिन मैं क्या करूँगा मैं ये वाली जो अमाउंट है वन पॉइंट फाइव मिलियन जिस दिन मैं ये आ, मतलब आपको पे करूंगा मैं इसे अपना एक्सपेंस नहीं बल्कि क्या बुक कर लूंगा मैं इसे अपना कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक कर लूंगा ठीक है? है अब ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो है वो क्या होगा ये मेरी क्रेडिट uh, होता जाएगा जैसे जैसे मुझे पैसे आते जाएंगे ठीक है और मेरी ट्रांजेक्शन प्राइस जो है वो उतने से रिड्यूस होती जाएगी यानी अगर ये uh, मैं इस इसको अगर मैं उन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर 60 मिलियन प्रोडक्ट्स पे डिवाइड करूंगा करें 15 मिलियन की कितनी प्रोडक्ट आएंगी 60 मिलियन प्रोडक्ट तो एक प्रोडक्ट कितने की बनी फोर रुपीज की बनेगी ठीक है फोर रुपीज की एक बनेगी 15 मिलियन डिवाइडेड बाय 60 मिलियन no, भाई फिफ्टीन मिलियन रुपीज़ लिखो पूरा लिखो फिफ्टीन मिलियन है जीरो पॉइंट टू फाइव तो मेरी एक प्रोडक्ट कितने की बनी आ, आप ऐसा करो हाँ ज़ीरो पॉइंट टू फाइव की बनी ठीक है चेक कर लो फिर पंद्रह मिलियन डिवाइडेड बाय सिक्सटी मिलियन हाँ पच्चीस पैसे की एक प्रोडक्ट बनी अब ये जो वन पॉइंट फाइव मिलियन है इसको भी डिवाइड कर दो सिक्सटी मिलियन क्योंकि ये सारी की सारी 60 मिलियन प्रोडक्ट की प्राइस की रिडक्शन फॉर होनी है। ओके okay, ये बना जी 0.025 पर प्रोडक्ट तो मेरी एक प्रोडक्ट की कीमत कितनी होगी? 0.025। ये माइनस कर देंगे तो मेरी प्राइस कितनी आ गई जी 0.25 टू फाइव माइनस जीरो यस जीरो ये प्राइस आई एक प्रोडक्ट की ठीक है क्योंकि वो जो 1.5 मिलियन दिया हुआ है उसने मेरी वो चीज जो के .25 की थी, की बिकनी बिकनी थी, थी, रुपए वो कितने की बिक रही है? वो दो लाख पच्चीस की रही है, है? उसके अंदर से वो जो एडवांस मैंने उनको दिया हुआ है वो एक किस्म की क्या होगी मुझे इतनी ट्रांजैक्शन प्राइस कम मिल रही है क्योंकि आपने मुझे पंद्रह मिलियन देना है मैंने आपको वन पॉइंट फाइव मिलियन देना तो नेट क्या हुआ मेरे पास कितना आया तेरह शरिया पांच मिलियन आया इस तेरह शरिया पांच मिलियन को सिक्सटी मिलियन से डिवाइड करो जरा प्रोडक्ट्स के साथ तो कितना आएगा ये इतना आ जाएगा पॉइंट टू टू फाइव मिलियन ठीक है ये कितना आ गया? अब उसने नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर अलबोरेट की है द एंटी अप्लाइज द रिक्वायरमेंट इन पैराग्राफ 20, ठीक एंड कंक्लूज दैट दंसिडेशन पेबल इन अकाउंटेड फॉर एज ए रिडक्शन इन दी ट्रांजेक्शन प्राइस Uh, when the anti reduces revenue for the transfer of goods. Consequently, as the entity transfer goods to the customer, the entity reduces the transaction price for each good by 10%. ठीक है, 10% ही बनाना। यानी 1.5 million तक सीम 15 million. ठीक है, वो उसका 10% कर लें, पर प्रोडक्ट निकाल लें, जैसे मर्जी निकाल लें। Therefore, in first month in which the anti transfer goods to the customer

इसका टेन परसेंट मैं दे चुका हूँ लिहाजा मेरी ये चीज़ वो जो टू मिलियन का टेन परसेंट माइनस करके उतनी की आएगी एंट्री क्या होगी ये जब मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करूँगा तो ऐसे करूँगा मुझे कैश कितना आएगा कैश मुझे अभी पूरा ही आएगा कितना आएगा टू मिलियन ठीक है टू रेवेन्यू कितना होगा वन पॉइंट एट मिलियन और टू कॉन्ट्रैक्ट वो एसेट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा कितने से पॉइंट टू मिलियन ठीक है वो आता आहिस्ता आहिस्ता आिस्ता जो मैंने उसको दिया हुआ था 1.5 मिलियन वो आता आहिस्ता आहिस्ता मेरा रिसीवेबल जो मेरी प्राइस आ रही है उसके अगेंस्ट एडजस्ट होते 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 निल हो जाएगा ठीक है तो वो मैंने प्राइस के अंदर उसकी एडजस्टमेंट ले ली है ठीक है क्योंकि वो पैसे तो मैंने शुरू में दे दिए अब शुरू में उसको क्या बुक करूंगा उसे मैं एक्सपेंस तो नहीं बुक कर सकता वो रिडक्शन इन प्राइस बुक होना है ये बात है ये नहीं कि सेल पूरी रिकॉर्ड करूँ उसे एक्सपेंस मार्केटिंग ऐसे नहीं है ठीक है उसे वो कहता है कि हमें रिडक्शन इन प्राइस जो है पहले लोग क्या करते थे से पहले वो उसको मार्केटिंग एक्सपेंस ट्रीट कर लेते थे और रेवेन्यू पूरी अमाउंट का ट्रीट करते थे आई एफ एर ने ये चेंज दी है कि भाई इस तरह जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आप कंसिडेशन कस्टमर को पे करते हैं तो वो आपका मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं है वो बेसिकली रिडक्शन इन प्राइस है क्योंकि वो कंडीशनली आपने मार्केटिंग एक्सपेंस वो है जिस जिसके साथ कोई कंडीशन ना हो कि जी आप सेल करेंगे तो आपको वो खर्चा पे करना पड़ रहा है वो जैसे एडवर्टीजमेंट करते हैं जनरल तो वो आपका मार्केटिंग एक्सपेंस है ये नहीं है तो लिहाजा पहले आप जब 1.5 मिलियन देंगे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एसेट टू कैश और जब आप महीने बाद आपने गुड्स दी जितनी उस महीने दी उनका जितना रेवेन्यू बना वो आपने पूरा रिसीव करना है ठीक है और नीचे क्या करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट वो वाला उतने से राइट right ऑफ कर देंगे क्रेडिट कर देंगे वो कम हो गया और ये नेट रेवेन्यू आपका बुक हो गया आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिसीव एसेट जो है ये कम होते 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 नील हो जाएगा और साथ साथ आपका पूरा आपने कस्टमर को पैसे 1.5 मिलियन दी और फिर जब आप 15 मिलियन लेंगे तो इसका मतलब है उसके अंदर आपकी वो रिकवरी हो गई लेकिन आपका रेवेन्यू कितना है टोटल रेवेन्यू बनेगा आपका 13.5 मिलियन का आगे चलो एलोकेशन मेथडोलॉजीज आ गई अब हम आगे हैं कि जी हमजा जावेद ने हैंड रेस किया जी भाई हमजा भाई बोलो सलामेकम सर वालेकुम अस्सलाम सर आपके इंटरनेट में शायद प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा डिस्ट्रोशन हो रही है आवाज क्लियर नहीं आ रही बटा अटक, अटक के आ रही मेरा ख्याल है बाकी बच्चों में तो किसी ने शिकायत नहीं की शाम आप बताएं भाई शाम ने भी सर, सर वो ग्रुप में सबने की है ग्रुप के अंदर ग्रुप के अंदर यस yes, सर यही प्रॉब्लम आ रहा है चेक करो यार ग्रुप हैं अच्छा ये हमारी रिकॉर्डिंग तो हो रही होगी कि नहीं अगर नेट में कोई इशू भी है तो हो रही होगी फिर क्या करें भाई मुझे लग रहा है ये बाकी बच्चे भी देखो उसमा उसामा खान क्या कह रहा है अली हैदर क्या कह रहा है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जो अभी आगे मैं शुरू करने लगा हूँ